नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। दुर्दशा से नाराज किसानों का क्रय केंद्र पर हंगामा। धान खरीदी में देरी से नाराज किसानों का हुआ हंगामा। सोनभद्र रॉबर्टसनगंज क्षेत्र के राजकीय धान केंद्र पर आज किसानों ने जमकर के हंगामा किया। नाराज किसानों ने क्रय केंद्र पर पक्षपात व बार बार नियमों में बदलाव को लेकर के हंगामा किया। एक महीने में सरकार के द्वारा 3 बार नियमों को बदलने की वजह से 1 महीने से अपने धान को लेकर के क्रय केंद्र पर खड़े किसान आग बबूला हो गए और धरने पर बैठ गए। वहीं जैसे ही इसकी सूचना ADM को लगी, उन्होंने तत्काल सदर SDM को क्रय केंद्र पर भेजा और मौके पर पहुंचे SDM ने किसानों को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया। वहीं नाराज किसानों का आरोप है कि क्रय केंद्र संचालक के मनमाने तरीके से धान की ठीक से खरीदी नहीं हो पा रही है। किसानों के हित में संचालित धान क्रय केंद्र रॉबर्टसनगंज में किसानों के हित में बने सुविधा दलालों के भेंट चढ़ रहे हैं, जिसके चलते सरकार के ओर से मिली सुविधाओं से वह वंचित रह कर दिए गए हैं। जिसका ताजा मामला रॉबर्टसनगंज ब्लॉक स्थित राजकीय सरकारी क्रय केंद्र पर धान लेकर के पहुँचे किसान धान खरीद न होने से नाराज होकर के प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर करते हुए दिखे। वहीं किसानों का आरोप है कि हम लोग 1 महीने से यहां खड़े हैं, अचानक बारिश की वजह से हम लोगों के धान भीग गए। न यहां कोई नालाब की व्यवस्था है और न ही कोई सुविधा। हम लोग ट्रैक्टरों के नीचे खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। वहीं दलालों का क्रय केंद्रों का जमावड़ा लगा है। वही किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है कि सरकारी क्रय केंद्र पर धान बेचने को लेकर के किसान काफी परेशान है। किसानों के फसल को 1 महीने लेट हुआ है, उस पर अधिकारी पहले ऑफलाइन धान खरीद की व्यवस्था किए, फिर जब आधे किसानों की धान खरीदी हो गई तो ऑनलाइन व्यवस्था अधिकारी कर दिए, तो फिर 2 दिन बाद है फिर ऑफलाइन व्यवस्था अधिकारी कर दिए, जिससे किसानों ने अपने खाद को बेचने के लिए संघर्ष हो रहा है और कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से आज किसानों ने प्रदर्शन कर मांग की है कि ऑफलाइन ही चलने दीजिए, नहीं तो किसान धरने पर बैठ जाएंगे। क्रय केंद्र के प्रभारी विजेश्वर सिंह ने बताया कि लगातार धान की खरीद हो रही है, 2 कांटे से तौल भी की जा रही है। सरकार ने पहले ऑफलाइन की व्यवस्था कर दी थी, फिर बाद में ऑनलाइन हो गया, तो फिर तकनीकी खराबी की वजह से सरकार ने ऑफलाइन व्यवस्था कर दी, जिससे किसान नाराज हो गए हैं। वहीं रोज 600 कुंटल धान की खरीदी की जा रही है, पर दूर दूर से किसान अपने पास के क्रय केंद्र से यहां चले आ रहे हैं। इस वजह से भीड़ ज्यादा हो गई है, दूसरे क्रय केंद्र खाली पड़े हैं, तो जहां जितनी भीड़ हो गई है कैसे खरीद हो पाएगी, समय तो लगेगा ही। किसानों से हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि अपने आस पास के क्रय केंद्र पर जाएं, पर यहाँ सुविधाओं की वजह से लोग जमे हुए हैं। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। सर, अभी यहाँ पे किसानों का धरना प्रदर्शन हो रहा था, और क्या पूरा मामला क्या है सर, पूरा खेद? यहाँ पर 2 तरह के किसान धरना दे रहे हैं। एक कह रहे हैं कि टोकन व्यवस्था सही है और टोकन से खरीद होनी चाहिए, और दूसरे हैं कह रहे हैं कि टोकन व्यवस्था हटनी चाहिए और बिना टोकन के ऑफलाइन टोकन से खरीद होनी चाहिए। अभी पूरा मामला क्या चल रहा है? उसमें यह है कि जो लोग पहले से ट्राली लेके खड़े हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं कि ऑफलाइन टोकन से ही खरीद हो जाए, जैसे व्यवस्था चल रही थी। बीच में जो है बार बार जो परिवर्तित किया जा रहा है शासन के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन का, वो ना किया जाए। और बाकी कुछ किसान हैं वो जो जिनका टोकन है आज का, वो टोकन लेके आए, उनकी कह रहे हैं कि हमारी तौर पर ADM साहब भी आए थे, उन्होंने क्या बताया और क्या आप लोगों को निर्देश देके गए? वो उन्होंने किसानों से, किसान बंधुओं से अनुरोध किया कि जो है कार्य चलने दीजिए। किसान बंधु जो है वो PDS का कार्य रोके हुए हैं, उनकी ट्रैक्टर नहीं निकल पा रही है PDS की, यही समस्या है। सर, अभी जो सभी जो अपने CFA और जितने भी हैं संगठन में, वो सभी हड़ताल पे गए हुए हैं, उसके बाद में भी आपका संगठन क्या काम कर रहा है क्या? नहीं, हमारा संगठन आज कई जगह पर हड़ताल हुआ है, और मैं अपने मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ, मिर्जापुर मंडल का, और हम लोग स्वयं जो है आज इस पर अभी विचार करने के लिए बुलाए थे हमने जो है अपने सदस्यों को, और हम लोग भी इस पर निर्णय लेंगे कि कल से हम लोग भी हड़ताल पर जाएं या नहीं जाएं, इसका हम लोग अपना विचार मंथन कर रहे हैं। आज अभी आप लोग हड़ताल पे नहीं? नहीं, आज हड़ताल पे नहीं है। अध्यक्ष जी, धान खरीद में क्या समस्या आ रही है किसानों को, और क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसानों को सुविधा मिल सके? देखिए भाई, धान खरीद यहाँ पूर्वांचल में लेट से शुरू होता है, किसान हम लोगों का धान भी लेट तैयार होता है। दिसंबर में धान आता है, नवंबर से धान शुरू हो गया, 1 महीना तो हम लोग वैसे मार खा गए।
ऑनलाइन की बात कही गई, हम लोगों ने ऑनलाइन करा दिया। ऑनलाइन कराने के बाद इन्होंने कहा टोकन ले लीजिए, हम लोगों ने टोकन लिया, टोकन को इन्होंने बात कह दिया ऑनलाइन नहीं, अब ऑफलाइन खरीदा जाएगा। ऑफलाइन खरीद हो रही थी, जब आधा समय बीत गया कि आधे किसान निपट गए तो इन्होंने कह दिया कि नहीं अब टोकन सिस्टम लागू होगा, और इन्होंने टोकन लागू कर दिया। तो एक दिन या दो दिन टोकन चला, फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं 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 ऑफलाइन, फिर ऑफलाइन हुआ, अब दो दिन ऑफलाइन चला, और इसके बाद जो है ऑनलाइन फिर करा करके फिर टोकन की व्यवस्था करा दिया। जो किसान एक एक महीने से यहाँ लाइन लगा के बैठे थे, आज टोकन का किसान यह हकदार हो गया कि हमारा पहले धान उतरे। ऐसी परिस्थिति में किसानों में संघर्ष हो रहा है और अधिकारी किसी तरह का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हमारा ये कहना है कि इस समस्या का अब एक ही समाधान है कि ऑनलाइन की जगह पर ऑफलाइन ही धान खरीदा जाए।